हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल थ्योरम्स कर ली थी लिमिट पर, है ना, सीमा की मूलभूत प्रमेय, और फिर मैंने 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। तो करते हैं, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स ऑफ sec x। सिंपल सी बात कर रहे थे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की, है ना, उसकी ही सिंपल बात कर रहे थे। तो पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसके राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, राइट हैंड का मतलब जीरो से थोड़ा ज़्यादा, साइन इनवर्स sec जीरो प्लस, जीरो से थोड़ा ज़्यादा। अगर तुम्हें sec x का ग्राफ याद है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, है ना। हमें पता है कि sec जीरो, अच्छा sec जीरो कितना होता है, sec जीरो कितना होता है, sec जीरो होता है 1, क्योंकि cos जीरो कितना होता है 1, अरे sec cos का उल्टा होता है ना, तो sec जीरो 1 होता है। अब देखो sec जीरो होता है 1, जीरो से थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो 1 से थोड़ा ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा। sec का ग्राफ कैसे होता है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे चलता रहता है ना sec का ग्राफ। तो sec का ग्राफ होता है 1 से इन्फिनिट, और माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, माइनस वन तक। तो साइन इनवर्स sec के अंदर आ गया जीरो प्लस, मतलब जीरो से थोड़ा ज़्यादा। तो ये पता चला यार जीरो से थोड़ा ज़्यादा रखूँगा तो sec के लिए 1 से थोड़ी ज़्यादा आएगी, पता है ना ये। तो जीरो से थोड़ा ज़्यादा रखा, जीरो रख ही दिया, चलो तो साइन इनवर्स ये आएगा जीरो से थोड़ा ज़्यादा, मतलब कितना, 1 से थोड़ी वैल्यू ज़्यादा आएगी, 1 प्लस, 1 से वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आएगी। अगर 1 से थोड़ी वैल्यू ज़्यादा आई है तो साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, डोमेन वो होती है कि जो इसमें रख सकें। जैसे यहाँ पर 1 होता तो 1 की वैल्यू क्या रखते हैं, साइन 90 1 होता है ना, पाई बाई टू बोल रहा हूँ तो साइन 90 पाई बाई टू ही होता है, तो साइन 90 रख सकता हूँ। 1 से थोड़ा ज़्यादा है, अब बताओ साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, प्लस 1, और मिनिमम वैल्यू माइनस 1। अब ये 1 से ज़्यादा आ गया, इसकी कोई वैल्यू हमें थोड़ी पता है 1 से ज़्यादा की। और जानने के लिए जान लो साइन इनवर्स एक्स है उसकी जो डोमेन होती है वो होती है माइनस 1 से प्लस 1, रेंज होती है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, इनवर्स की ITF भूल गए, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है माइनस 1 से प्लस 1। क्या 1 से ज़्यादा इसमें आ सकता है, डोमेन ही होती है, हाईएस्ट डोमेन है प्लस 1, इसमें मैक्सिमम साइन इनवर्स के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम कौन सा डाटा पुट हो सकता है, प्लस 1। 1 से ज़्यादा पुट हो सकता है क्या, नहीं, ये डोमेन में नहीं है, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, जीरो माइनस रखूंगा इसका मतलब समझ रहे हो, sec के अंदर जीरो से थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा। चलो मैंने रख दिया मान लो जीरो माइनस। अब sec का ग्राफ पता है कि जीरो से छोटे पर, देखो जीरो पर 1 है, जीरो से थोड़ा सा बड़ा हुआ तो 1 से ज़्यादा, जीरो से थोड़ा छोटा हुआ तो भी 1 से ज़्यादा रहेगा, 1 से ज़्यादा ही। ये ग्राफ मिनिमम कहाँ पर हो रहा है, 1 पे, मिनिमम कहाँ हो रहा है, 1 पे, बाकी 1 से ज़्यादा ही होगा। तो ये 1 प्लस ही आएगा, फिर से साइन इनवर्स में 1 प्लस आ गया, डज नॉट। अगर तुम यहाँ छोड़ देते हो सर RHL साइन इनवर्स 1 प्लस, LHL भी साइन इनवर्स 1 प्लस, LHL RHL के इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं। मैंने कहा था LHL RHL के इक्वल हो और दोनों क्या हो, फाइनाइट नंबर हो, इनफाइनाइट या डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होने चाहिए, समझ गए क्या। तो सिंस LHL और RHL एग्जिस्ट ही नहीं करते इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, समझ रहे हो क्या, लिमिट DNE डज नॉट एग्जिस्ट। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 था होमवर्क का, क्या समझ में आया, आ गया पूरा, ठीक है, उतार लो जल्दी करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है अपना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक एक्स, यही तो था नेक्स्ट पार्ट। RHL निकालो इसकी, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस कॉस इनवर्स, कॉसेक में जीरो प्लस रखा क्या आएगा,
कॉसेक जीरो कितना होता है? कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन जीरो कितना? तो कॉसेक जीरो। इनफाइनाइट नहीं होगा क्या, या पागल हो चुके हो सब? साइन जीरो जीरो होता है तो कॉसेक जीरो जीरो होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। तो कॉस इनवर्स ये होगा इनफाइनाइट, जीरो से ज्यादा इनफाइनाइट प्लस। और क्या कॉस इनवर्स के डोमेन में इनफाइनाइट आ सकता है क्या? तो ये डज नॉट एग्जिस्ट है। अब चूंकि एल एच एल डज नॉट एग्जिस्ट है इसलिए लिमिट नॉट एग्जिस्ट सीधा भी लिख सकते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। उधर लो एल एच एल भी ऐसे निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस रूट में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। पहले तो भाई इन दोनों फंक्शन की नॉलेज ले लो, है ना, कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता क्या है और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को हिंदी में कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है? इसका ग्राफ बता देख ले वापस। ये क्या है? ऑलवेज इंटीजर, ऑलवेज पूर्णांक देता है। इंटीजर डालो तो इंटीजर और फ्रैक्शन डालो तो उससे छोटा इंटीजर। जैसे 2.2 डालो तो 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 2। -1.2 डालूं तो -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? इससे छोटा इंटीजर -2। तो ग्राफ ऐसा कैसे बनता है कि जीरो रहता है, ये जीरो तब तक रहता है जब तक वन नहीं आ जाए, फिर वन पर जीरो नहीं होगा, क्या होगा? वन। फिर वन तब तक रहता है जब तक टू नहीं आ जाए, फिर टू पर वन नहीं होता, क्या होता है? टू। ऐसे ऐसे ग्राफ चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है ना। हाँ, तो जीरो पर जीरो ही होता है, जीरो छोटा होता ही -1, तो यहाँ पर ये -1 नहीं है, बस ये चल रहा है। ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, भिन्नात्मक भाग फलन, भिन्नात्मक भाग फलन, भिन्नात्मक भाग फलन क्या होता है? इसके नाम में लिखा हुआ है, जैसे भाई इसके नाम में लिखा होता है ये इंटीजर देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर देता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन फ्रैक्शन दे देगा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जो होता है वो हमेशा क्या देता है? फ्रैक्शन, हमेशा भिन्न देगा, भिन्न देगा। जैसे भाई मैंने कहा भाई फ्रैक्शन ऑफ 1.2 बताओ, तो ये 0.2 निकाल के दे देगा, समझ रहे? इसका फ्रैक्शन पार्ट दे दिया इसने निकाल कर, इसका भिन्नात्मक भाग दे दिया। मैंने कहा भाई 0.2 की वैल्यू बताओ, तो 0.2 खुद ही फ्रैक्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0.2, समझ रहे मेरी बात? रुको अभी, इसकी वैल्यू होती है 0 से लेकर 1 या उसके बीच में। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0, और मैक्सिमम नहीं 1 पर ओपन ब्रैकेट है 1 से 6 पहले पहले, क्योंकि 1 दे दिया तो 1 तो इंटीजर होता है ना, जबकि मैंने क्या कहा था ये क्या देता है? फ्रैक्शन। तो मैक्सिमम 0.9999 ये दे सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं नेगेटिव, -1.2 बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? तो नेगेटिव कैसे आ गया? 0.2 भी नहीं आ सकता। पूछो क्यों? नेगेटिव लफड़ा है, उसमें था नहीं लफड़ा, इसमें भी होगा। तो ये मेरी बात ये ध्यान रखना, अगर तुम्हें नहीं पता चलता ये, एक तो सीधा रास्ता बताता हूँ, 1 में से 0.2 हटा दो कितना आएगा? 0.8। जैसे माइनस का मैंने पूछ लिया 3.4, पूछ लिया, 1 में से 0.4 घटा दो, आंसर क्या आएगा? 0.6। या तो ये तरीका अपनाओ नेगेटिव, या सिंपल दूसरा तरीका क्या कि जो x एक नंबर है ना वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जो x एक नंबर होता है वो क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हमें निकालना है मान लो फ्रैक्शनल पार्ट x, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स क्या आ जाएगा? एक्स माइनस का
ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, किसका निकालना है? 1.2 का। तो भाई 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है ना, तो x की जगह क्या रखूं? माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2। 1.2 का महत्तम पूर्णांक फलन कितना? और 1.2 में से 1 गया तो 0.2, वो तो सीधा भी पता था। नेगेटिव में ये चीज़ काम करेगी, कैसे पहले समझ। नेगेटिव में ये चीज़ काम करेगी, नेगेटिव का माइनस 1.2 है तो फ्रैक्शनल पार्ट x का फॉर्मूला क्या है? x माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। x कौन है? तो x की जगह माइनस का 1.2, x की जगह माइनस का 1.2, माइनस माइनस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2, माइनस 2 और ये माइनस, माइनस 1.2 प्लस 2 और 2 माइनस 1.2, तो ये तो बताया था, समझ गए मेरी बात। जैसे माइनस 3.4 है तो इसका फॉर्मूला ही होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो माइनस 3.4 ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 3.4 कितना आएगा? माइनस 3.4 का माइनस 4, माइनस 4 और माइनस प्लस 4, 4 माइनस 3.4 0.6। तो नेगेटिव का हो तो 1 में से ये फ्रैक्शन घटा दो, खेल ही खत्म। इन सब की नॉलेज हो गई, फ्रैक्शन पार्ट की नॉलेज हो चुकी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की नॉलेज हो चुकी है। अब बताता हूँ आगे, आगे करते हैं क्वेश्चन। अच्छा इसका थोड़ा सा ग्राफ भी चलो बता ही देता हूँ, फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ भी देख ही लो। फ्रैक्शन पार्ट एक सा ग्राफ बताना है तो कैसे बताऊंगा, देखो फ्रैक्शन पार्ट एक सा ग्राफ बता रहा हूँ, ये हमेशा क्या देता है? फ्रैक्शन। और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 1 से पहले पहले। फ्रैक्शन पार्ट 0 की वैल्यू 0, x के बराबर 0.1 पर y की वैल्यू कितनी आएगी? 0.1, 0.2 पर 0.2, कब तक चलता रहेगा ये? ऐसा 0.9 तक, 0.9 पर 9। जैसे ही x इक्वल टू 1 हुआ, बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 कितना होगा? 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट 1 निकालना है। तो 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 1, 1 माइनस 1, तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। तो जैसे ही ये 1 पर पहुंचेगा, 1 पर ये यहाँ नहीं, सीधा वापस कहाँ पर आ जाएगा? 0 पर। फिर यहाँ 2 है, 2 तक ये बढ़ेगा। जैसे ही 2 पर पहुंचा, 2 पर 1 नहीं होगा, क्या पटक जाएगा? 0 पर आ जाएगा। ऐसे चलता रहता है, समझ रहे हो क्या? फ्रैक्शनल पार्ट ये 3 तक, ये ऐसे 3 तक चलेगा, फिर ऐसे ये 4 तक चलेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच बीच में, 1 भी नहीं पहुंचा, समझ रहे हो क्या भैया? 1 है, ये 0 है, 0 से 1 के बीच में है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये ऐसे ही रहता है टिल्टेड, समझ गए। अब ये क्वेश्चन करने में मजा आएगा। नेगेटिव में कैसा होगा? अरे ऐसे ही तो होगा बेटा, ऐसे ही तो होगा नेगेटिव में। ये माइनस 1 है, माइनस 1 पर कितना होगा? माइनस 1 पर कितना होगा? जीरो, जीरो होगा ना, इंटीजर पर 0 होता है तो माइनस 1 पर 0। और ऐसे ऐसे चलते 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 0 पर कितना होगा? 0, तो ये ऐसा होगा नेगेटिव में, ये ऐसे रहेगा। दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट x। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, उतारना है क्या कुछ? तो ये फ्रैक्शनल पार्ट x, कल सिग्नम फंक्शन की नॉलेज दे दी थी, आज फ्रैक्शनल पार्ट x की दे दी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की नॉलेज भी दे दी। तो तीनों फंक्शन अब आते हैं तुम्हें, तो क्वेश्चन अब अटकना नहीं चाहिए इन तीनों फंक्शन से। हाँ भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस रूट में क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, कोई दिक्कत? फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए हमें RHL निकालनी है, LHL निकालनी है। RHL का मतलब 1 से थोड़ा ज़्यादा, और LHL का मतलब 1 से थोड़ा कम। RHL LHL लिखूँ या ऐसे ही कर दो, एक ही बात है, 1 से थोड़ा ज़्यादा पर निकालते हैं। तो समझो 1 से थोड़ा ज़्यादा इस फंक्शन में रखते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस प्लस रूट में 1 प्लस माइनस 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 1 से थोड़ा ज़्यादा है यानी 1.00001, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना?
वन प्लस वन प्लस यानी वन पॉइंट समथिंग माइनस में ये कितना वन, तो वन प्लस में से वन जाएगा कुछ तो पॉजिटिव आएगा रूट में, चलो तो वन में कुछ जुड़ रहा है तो इसका ओवरऑल आंसर वन से थोड़ा ज़्यादा आने वाला है, अप्रॉक्स मान लिया मैंने, चलो वन आ गया, कितना आ गया वन, वन माइनस रखा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वन माइनस प्लस रूट में वन माइनस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वन माइनस, सही है, वन माइनस का मतलब वन से थोड़ा कम 0.99999 उसका महत्तम पूर्णांक फलन जीरो, जीरो होगा ना, और रूट में वन माइनस तो पड़ा ही है माइनस, वन माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो, वन से थोड़ा छोटा यानी 0.9999 और उसका महत्तम पूर्णांक फलन उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीरो होगा, एक में से जीरो जाएगा तो अप्रॉक्स वन, अरे आएगा ना 0.999 है, वन से थोड़ा कम 0.9999 है, उसका रूट आना चाहिए क्यों, तो उसमें से मान वन जीरो वन माइनस का मतलब वन से बहुत पास में है ये 0.99, उसमें से जीरो घटाऊंगा और उसका रूट लूंगा तो अप्रॉक्स वन ही तो आएगा, और ये भी अप्रॉक्स कितना है वन, इसके नेबरहुड पर वैल्यू वन वन आ रही है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो आर एच एल और एल एच एल इक्वल है तो ये लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट का एग्जिस्टेंस हो चुका है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ध्यान रखना पड़ता है और तो क्या ही है, तो भाई फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट कर रहे थे हम लोग, है ना, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट पर फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो मैंने कल बता दिया था जो तुम लोगों को सब कुछ लिखा था ना, वो कॉन्स्टेंट हो तो कॉन्स्टेंट है, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, ए की पावर कुछ हो तो पावर लिमिट पावर में चढ़ जाती है, डिवाइड वाला बता दिया, मल्टीप्लाई बता दिया, समझ गए क्या अब सेकंड बात क्या है कि यार लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स जो कि एग्जिस्ट है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स वो भी क्या है एग्जिस्ट है, अगर एफ एक्स भी एग्जिस्ट करता है और जी एक्स भी एग्जिस्ट करता है तो उन दोनों का सम भी एग्जिस्ट करेगा और उनका डिफरेंस भी एग्जिस्ट करेगा, दोनों का योग और दोनों का अंतर ये एग्जिस्ट करता है, उन दोनों की गुणा दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट करेगा और दोनों का डिवाइड भी क्या करेगा एग्जिस्ट, कुल मिलाकर सीमा का अस्तित्व होगा, अगर ये दोनों सीमाएं अस्तित्व में हैं तो उनको जोड़ो चाहे घटाओ चाहे गुणा करो चाहे भाग करो सबका एग्जिस्टेंस होगा सबका अस्तित्व होगा, ठीक है क्या, अब मान लो दोनों में से कोई एक डज नॉट एग्जिस्ट है डी एन ई, या तो एफ एक्स एग्जिस्ट है या जी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट है, या जी एक्स एग्जिस्ट है और एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट है, तो दोनों का सम हो चाहे डिफरेंस हो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, मल्टीप्लाई हो सकता है एग्जिस्ट हो सकता है ना हो, है ना, मे बी एग्जिस्ट और मे नॉट बी, डैश का मतलब यही है मे बी एग्जिस्ट और मे नॉट बी, अस्तित्व में हो भी सकता है और अस्तित्व में नहीं भी हो सकता, ठीक है क्या, अगर दोनों ही डज नॉट एग्जिस्ट है, दोनों ही क्या है डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका भी कुछ नहीं कह सकते, इसका भी कुछ नहीं कह सकते, इसका भी कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है दोनों का जोड़ एग्जिस्ट हो जाए, हो सकता है दोनों का घटाव एग्जिस्ट हो जाए, हो सकता है ना भी हो, तो ऐसा नहीं है कि सर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो सब एग्जिस्ट है, ये डज नॉट एग्जिस्ट है तो सब डज नॉट एग्जिस्ट कर दो, नहीं, करके बताऊंगा तुम्हें, कुछ एग्जांपल लेके बताऊंगा कि दो नंबर ऐसे लूंगा मैं, है ना, दो फंक्शन ऐसे लूंगा जो डज नॉट एग्जिस्ट है पर उनका सम एग्जिस्ट आ जाएगा, एग्जिस्ट आ जाएगा, है ना, और कुछ ऐसे भी हैं कि उनका सम एग्जिस्ट नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है क्या, तो इसको नोट करो फटाफट, तो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल एक लेते हैं, चलो एग्जाम्पल वन, डैश का मतलब ये लिखा है मे बी और एग्जिट और मे नॉट बी, डैश का मतलब ये, हर जगह डैश का मतलब ये, हाँ जैसे देखिए लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या था,
लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या था? चलो तुम लोगों को वन पर बताता हूँ, ज़्यादा सोच पाके। लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन पर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या था? इधर ध्यान दो, ये ग्राफ था ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का, था कि नहीं था? वन पर चेक करना है, इसका मतलब वन से थोड़ा ज़्यादा और वन से थोड़ा कम पर चेक करो। ये है वन, ये कितना है? वन। वन से थोड़ा सा ज़्यादा पर इसकी वैल्यू कितनी है? वन। और वन से थोड़े से कम पर इसकी वैल्यू कितनी है? जीरो। क्या आर एच एल एल एच एल के इक्वल है क्या? तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। चलो मन में सोचते हैं, वन प्लस रखा, वन प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर वन, वन माइनस रखा, वन माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो। क्या आर एच एल एल एच एल के इक्वल है? नहीं। वन प्लस पर वन आ रहा है और वन माइनस पर जीरो आ रहा है, तो आर एच एल एल एच एल के इक्वल नहीं है। तो वन पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन पर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि एक ऐसा फंक्शन ले लिया एफ एक्स जो डी ए नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये मान लो एफ एक्स है, ठीक है। अब दूसरा जी एक्स लेना है और वो भी क्या होना चाहिए? डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने कोई जी एक्स ले लिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, जी एक्स ले लिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये मैंने कोई दूसरा फंक्शन ले लिया फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, हाँ वन प्लस रखो, वन प्लस मतलब 1.1, वन प्लस का मतलब 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, वन माइनस मतलब 0.999 है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.99। क्या आर एच एल एल एच एल के इक्वल है? नहीं। ग्राफ से भी देख लो, ग्राफ ये था इसका, ये है वन, वन से थोड़े से ज़्यादा पर कितना है? जीरो। और वन से थोड़े से कम पर कितना है? 0.9999, समझ गए? वन से थोड़े से ज़्यादा पर, अगर ग्राफ की एकदम क्लियरिटी है आप लोगों को, तो ये देखो, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ, ये होता है वन। वन से थोड़े से ज़्यादा पर फंक्शन की वैल्यू देखो जीरो के आसपास है, और इस वन से थोड़ा सा कम करते ही फंक्शन के लिए कुछ यहाँ है, यहाँ मतलब वन के पास 0.99। तो वन से कम पर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू है 0.99, और वन से थोड़े से ज़्यादा पर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी है? जीरो। आर एच एल है जीरो, एल एच एल है 0.99, डज नॉट एग्जिस्ट, समझ गए क्या? तो मैंने दो फंक्शन ले लिए, एफ एक्स ऐसा ले लिया जो डज नॉट एग्जिस्ट है, और जी एक्स भी ऐसा ले लिया जो डज नॉट एग्जिस्ट है। पहले समझो, उस बार बोलो, एफ एक्स ऐसा ले लिया जो डज नॉट एग्जिस्ट है, और जी एक्स ऐसा ले लिया वो भी क्या? डज नॉट एग्जिस्ट। अब उनका सम बताओ। तो बेटा इनका सम ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कितना होता है? फॉर्मूला लिखवा रहा है पीछे, क्या होता है? हाँ, तो फ्रैक्शन पार्ट एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता कितना है? एक्स बताया था ना, एक्स की वैल्यू तो थी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट एक्स। फ्रैक्शन पार्ट एक्स की वैल्यू तुमने याद कर ली, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट से माइनस ग्रेटेस्ट एक्स आ गया ना, एक्स से ही निकाला था वो, ध्यान देना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट एक्स क्या आ गया? एक्स। एक फंक्शन है जो डज नॉट एग्जिस्ट, एक और दूसरा फंक्शन है जो डज नॉट एग्जिस्ट है। एग्जाम्पल ये दोनों, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो कि मैंने एफ एक्स माना वो डज नॉट एग्जिस्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जो कि मैंने क्या माना? जी एक्स, वो भी डज नॉट एग्जिस्ट है, मतलब इन दोनों का अस्तित्व नहीं है। अब इन दोनों को मैंने जोड़ के देखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कितना आ गया? एक्स। इसकी लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, एक्सटेंडिंग टू वन, एक्स का मतलब समझते हो, y बराबर x का मतलब होता है डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, सब कुछ बताना पड़ेगा। y बराबर x, x बराबर 0 पर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, 2 पर 2, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? तो 1 से थोड़े ज़्यादा पर भी 1 है, और 1 से थोड़े 1 पर भी क्या है? 1 से ज़्यादा पर भी इसका मान 1 है, और 1 से कम पर भी इसका मान 1 है। तो क्या ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है? हाँ, और लिमिट कितनी आएगी? वन ही आएगी, क्योंकि वन रखने पर कितना आएगा? ये वन। वापस समझो इस बात को, वाई बराबर एक्स की बात कर रहा हूं मैं, वाई बराबर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये है एक्स इक्वल टू वन,
वन से थोड़े से ज़्यादा पर भी इसकी वैल्यू वन ही है, और वन से थोड़े से कम पर भी इसकी वैल्यू वन ही रहेगी, और वन पर भी वन है, तो इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी है? वन। तो ऐसे दो फंक्शन जिनकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, पर उनको जोड़ने पर उनकी लिमिट क्या कर गई? एग्जिस्ट कर गई। तो ऐसा एग्जाम्पल है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि सर दो फंक्शन है उनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उनका जोड़ एग्जिस्ट कर रहा है। तो दो फंक्शन ऐसे भी होने चाहिए कि ये डज नॉट एग्जिस्ट है तो उनका जोड़ डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए। तो होना चाहिए तो हो सकता है, पर ये भी तो हो सकता है कि हो सकता है एग्जिस्ट हो जाए। तो ये ऐसे केस हैं। ठीक है, क्या इसमें कोई डाउट है तो पूछो। नहीं, एक भी डाउट नहीं है। महेंद्र सिंह, कौन सा लास्ट वाला? वाई बराबर एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे स्ट्रेट लाइन। ये x इक्वल टू वन है, मैं कह रहा हूँ वन से थोड़ा सा ज़्यादा पर, ये इसके लिए अप्रॉक्स वन ही तो है, और वन से थोड़े से कम पर भी इसकी वैल्यू क्या है? वन ही है। तो आर एच एल एल एच एल के इक्वल है, इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट का मान वन। इतना है, ये इतना सोचना पड़ेगा तुम लोगों को। और एग्जाम्पल हो गया इसके, उठा लिया इसको। तो मैंने तुम्हें ये एग्जाम्पल लेके दिखाया है, बकायदा दो फंक्शन ले लिए और उनको सॉल्व किया है। ये टेबल तुम्हें दिमाग में एनी टाइम होनी चाहिए। देखो, दो फंक्शन एग्जिस्ट है तो उनका सब कुछ एग्जिस्ट होने वाला है, लेकिन दोनों में से कोई एक भी डज नॉट एग्जिस्ट है तो उनका ये प्लस और माइनस डज नॉट एग्जिस्ट है, लेकिन मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है, डिवाइड कुछ भी हो सकता है, और इसमें तो कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान रखना ही। पढ़ लिया। चलो एक और समझाता हूँ तुम्हें। मान लो, एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है और एक्स है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है और वन बाई एक्स है। एक्स बराबर जीरो पर ये जो एक्स है फंक्शन, अभी बताया था वाई बराबर एक्स, ये कोई फंक्शन है, इस पर लिमिट ले रहा हूँ। कोई फंक्शन है मान लो एक्स, और कोई जी एक्स है मान लो वन बाई एक्स। तो इस एक्स पर ले ली मैंने लिमिट, तो ये एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि वाई बराबर एक्स अभी बताया था क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो जीरो के आसपास भी जीरो है, जीरो के आर एच एल पर भी जीरो है, और एल एच एल पर भी कितना है? देखो भाई, ये मैंने बनाई एक स्ट्रेट लाइन, मैं कह रहा हूँ जीरो के थोड़ा सा पास रखूँगा, जीरो प्लस, इसकी वैल्यू है 0.00000000001, वो है अप्रॉक्स कितना? जीरो। जीरो माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का, समझ रहे हो? माइनस का मतलब जीरो से थोड़ा सा छोटा है। नेगेटिव का 0.001, उसको भी अप्रॉक्स क्या मान लिया? जीरो। तो इसका नेबरहुड जीरो है, इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। चाहो तो ग्राफ में देख लो, जीरो से आगे जीरो ही है लगभग, वाई एक्स को एक्स अक्ष पर वाई जीरो, और जीरो से पीछे भी एक्स अक्ष के पास में है, तो एक्स एक्सिस पर वाई कितना होगा? जीरो होगा। तो ये बात समझ में आ गई कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। समझ में आ गई क्या? इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है, यानी इसकी लिमिट का अस्तित्व है, इसकी सीमा का अस्तित्व है। अब वन बाई एक्स की बात करें तो बेटा वन बाई जीरो क्या होता है? इनफाइनाइट। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बात ही खत्म। जीरो प्लस भी रखूंगा तो वन अपॉन 0.0000001, वन बाई लगभग जीरो, वन बाई लगभग जीरो तो इनफाइनाइट। तो एक की लिमिट एग्जिस्ट है, एक की डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा केस? सेकेंड लाइन, कि एक की एग्जिस्ट करती है और एक की डज नॉट एग्जिस्ट। तो उनका प्लस और माइनस तो डज नॉट एग्जिस्ट है, ये तो हम क्लियर है कि इनको प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, ये कंबाइंड सेट जो होगा, कंबाइंड सेट मतलब एक्स प्लस वन बाई एक्स करो चाहे एक्स माइनस वन बाई एक्स करो, ये क्या रहने वाला है? डज नॉट एग्जिस्ट। पर इनकी मल्टीप्लाई पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते, तो मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। चलो, तो मैं एक कंबाइंड फंक्शन ले रहा हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, उनकी मल्टीप्लाई, तो एफ एक्स कितना है? एक्स, और जी एक्स कितना है? मल्टीप्लाई करा के देखो, एक्स इंटू वन बाई एक्स, एक्स एक्स, आंसर कितना?
जीरो रखूंगा तो भी वन, क्योंकि जीरो रखने की जगह ही नहीं है। तो एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और एक डज नॉट एग्जिस्ट है, तो उनका मल्टीप्लाई पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते। मतलब हो सकता है एग्जिस्ट हो और हो सकता है ना हो। इसमें क्या आ गया, तो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि लिमिट की वैल्यू निकल के आई है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसकी। मेरी बात समझ में आई है तुम लोगों को? उतारे उसको, एक आधा एग्जाम्पल और देता हूँ, क्या पता और समझ में आ जाए। मिटाऊं चल एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एफ एक्स है तुम्हारा ए की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और जी एक्स है ए की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। चेक करते हैं, एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू दे दी मैंने, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू पर, टू पर ए की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बताना है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू पर ए की पावर क्या बताना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, महत्तम पूर्णांकलन। तो इसका आर एच एल निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा, आर एच एल का मतलब दो से थोड़ा ज़्यादा, और एल एच एल का मतलब दो से थोड़ा कम। ग्रेटेस्ट इंटीजर ने दो से ज़्यादा रखा, तो ए की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर में टू प्लस, 2 प्लस का मतलब 2.00001, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो इसका आंसर आ गया e की पावर 2। समझ गए, 2 माइनस का मतलब e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब 2 से थोड़ा कम, 2 से थोड़ा कम यानी 1.99999, और 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, उससे छोटा इंटीजर होता है। तो आर एच एल एल एच एल के इक्वल है क्या, इसका मतलब ए की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट एस टेंडिंग टू टू पर। समझ लो क्या, ये डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। अब बात करते हैं इस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू पर ही बात करूंगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू पर ए की पावर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की बात कर रहे हैं। अब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का मतलब हो गया ए की पावर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स अपन ऐसे सीधे सॉल्व करते ही नहीं है। ए की पावर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है क्या, चलो टू पर ही चेक कर रहे हैं। तो टू पर क्या आर एच एल, और टू पर क्या एल एच एल, तो टू प्लस रखा है इसमें, तो ए की पावर कितनी, टू प्लस माइनस टू प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर, टू प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर दो से थोड़ा ज़्यादा, टू पॉइंट समथिंग, और टू पॉइंट समथिंग का महत्तम पूर्णांक फलन दो, दो प्लस में से दो गया, तो दो प्लस मतलब लगभग दो ही है, और दो माइनस ये भी कितना है, दो ही है, दो माइनस दो जीरो, अप्रॉक्स जीरो आ गया ना भाई। टू प्लस का मतलब हो गया 2.00000000001, उसमें से टू घटा रहा हूँ तो 0.00001 आएगा, उसको अप्रॉक्स जीरो मान लो, तो ए की पावर जीरो कितना आ गया, वन। टू माइनस रखा, टू माइनस का मतलब ए की पावर टू माइनस, टू माइनस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर टू माइनस, टू माइनस का मतलब दो से थोड़ा कम, दो से थोड़ा कम यानी 1.99, और 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वन, और ये अप्रोक्स टू है, टू माइनस वन ए की पावर टू। क्या आर एच एल एल एच एल के इक्वल है, नहीं, आर एच एल है वन और एल एच एल है ए की पावर टू, इक्वल है क्या, ए की पावर टू माइनस वन, ये ए की पावर वन आ गया। क्या आर एच एल एल एच एल के इक्वल है क्या, नहीं, ये वन होगा, मैंने सिर्फ टू लिख के छोड़ दिया, ये टू अप्रॉक्स माइनस का वन, टू माइनस वन वन, एल एच एल आ रहा है, सॉरी आर एच एल आ रहा है वन, एल एच एल आ रहा है ए की पावर वन, इक्वल है क्या, इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ई की पावर वो भी क्या, डज नॉट,
फिर से कौन सा केस ले लिया, थर्ड नंबर, एफ एक्स भी डज नॉट एग्जिस्ट और जी एक्स भी, तो इनका मल्टीप्लाई डैश 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 किया था, मतलब कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है इनका मल्टीप्लाई एग्जिस्ट हो और हो सकता है no. तो मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं, करा के देख लूँ क्या? Yes, sir. तो ए की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये है एफ एक्स इंटू जी एक्स है ए की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन थे, इनकी मैं मल्टीप्लाई करा के देख रहा हूँ, बेस सेम है तो पावर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्या होता है ये ए की पावर एक्स, क्या लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू पर ए की पावर एक्स एग्जिस्ट कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि ए की पावर एक्स का ग्राफ क्या होता है कुछ ऐसा, तो एक्स बराबर टू पर कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो टू से थोड़े ज़्यादा पर भी टू है और कम पर भी कितना है टू, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता चलता, टू प्लस रखो, ए की पावर टू प्लस और ए की पावर टू थोड़ा सा माइनस, वो ए स्क्वायर ही रहने वाला है और ए की पावर टू भी यही रहने वाला है, तो इसका आंसर आ गया ए स्क्वायर, यानी एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे दो फंक्शन जिनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है पर उन दो फंक्शन को मल्टीप्लाई किया तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, भाई दोनों फंक्शन दोनों फलनों की सीमा का अस्तित्व है ही नहीं और उनका गुणा करवाया तो सीमा का अस्तित्व आ गया, तो ऐसा पॉसिबल है मैं ये कह रहा हूँ। तो ये टेबल याद रखना, ये तीन एग्जाम्पल जो मैंने करवाए बहुत इंपॉर्टेंट थे इसलिए करवाने पड़े, अब तुम्हें डाउट आएगा ही नहीं, तो ये ध्यान रखना है। उतारा इसको, देखो भाई नोट डाल दो, एक नोट क्या है, फॉर फाइंडिंग लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स पुट एक्स इक्वल टू ए इन एफ एक्स, अगर आपको इसकी लिमिट की वैल्यू निकालनी है तो एफ एक्स में क्या पुट करना पड़ेगा, ए, तो पुट एक्स इक्वल टू ए इन एफ एक्स, पर हमेशा जरूरी नहीं है कि लिमिट का आंसर आ जाए, क्यों, बट समटाइम्स व्हेन वी पुट एक्स इक्वल टू ए, पर कभी कभी अगर हम एक्स इक्वल टू ए पुट कर देते हैं, सेवन इनडिटर्मिनेट फॉर्म आर जनरेट, तो वो सात इनडिटर्मिनेट फॉर्म जनरेट हो जाती है, कौन कौन सी, जीरो बाई जीरो, इन्फाइनेट बाई इन्फाइनेट लिखवाई थी ना, वो सेवन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जनरेट हो जाती है, तब क्या करेंगे, देन फॉर फाइंडिंग लिमिट, तब लिमिट फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तब लिमिट फाइंड करने के लिए वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू ए, फिर ये x इक्वल टू ए उस फंक्शन में पुट करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स की सीमा ज्ञात करने के लिए x बराबर ए प्रतिस्थापित करो, भाई पहले उसकी सीमा बतानी है तो x बराबर ए उस फलन में प्रतिस्थापित करो, उसके बाद प्रतिस्थापित करने के बाद हो सकता है आंसर आ जाए, पर कभी 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 क्या होगा, x बराबर ए रखने पर सात अनिर्धारित रूप बन जाते हैं, तो सीमा ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम अनिर्धारित रूप को हटाएं, पहले अनिर्धारित रूप हटा लो फिर वो x इक्वल टू है फिर फलन में पुट करो, ये प्रोसेस रहेगा करने का, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारी जर्नी वो जर्नी स्टार्ट होती है और हम कल करेंगे सबसे पहले क्या लिखा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, फिर फैक्टोराइजेशन, प्रतिस्थापन विधि, गुणनखंड विधि, तो ये अब कल से स्टार्ट करते हैं अपन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।